मांझी में भारी भरकम पीपल के विशालकाय वृक्ष के डाल के तना से अलग होने के पौन घंटे बाद लगभग 50 क्विंटल वजन का पीपल का जड़ समेत तन उठाकर पुराने स्थान पर उसी तरह स्थापित हो गया जैसे सैकड़ों वर्षों से वो मौजूद था। इस रहस्यमय घटना को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण तथा डाल काट रहे मजदूरों में अचानक भगदड़ मच गई। इस रहस्यमय घटना को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण तथा डाल काट रहे मजदूरों ने अचानक भगदड़ से मच गई। इधर शाही पीपल के पेड़ को रहस्यमय ढंग से धीरे धीरे उठकर खड़ा होता देख वहां मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों का सहसा अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। यह हैरतअंगेज घटना मांझी नगर पंचायत के उत्तर टोला गांव में शुक्रवार की शाम की है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की सुबह तेज बरसात की वजह से दलदली हुई मिट्टी के ऊपर खड़ा सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का विशालकाय पेड़ देखते ही देखते धराशाही हो गया और गांव के सड़क पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। बाद में मजदूरों की सहायता से पेड़ की डालियों को काटकर तना से अलग कर दिया गया। फिर क्या था, डालियों से तना से अलग होते ही तना युग जड़ पूर्ववत अपने स्थान पर खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि युक्त पीपल के पेड़ को देव स्थान मानकर लोग पीढ़ियों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह रहस्यमय घटना कोई दिव्य चमत्कार है तथा पीपल पर मौजूद देवी अथवा देवता उस स्थान पर उन्हें स्थापित रखने का ग्रामीणों को संकेत दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई ग्रामीणों का मानना है कि मुख्य तना के ऊपर मौजूद डालियों के हल्का हो जाने से तथा फिर जड़ का वजन मजबूत तरह से अधिक होने की वजह से चुंबकीय घटना के तहत उठाकर खड़ा हो गया और पीपल के पेड़ में पर्वत खड़ा होने के दो अलग अलग कारणों पर बहसने के साथ साथ पेड़ के दोबारा उठकर खड़ा होने एवं पुराने स्थान पर हुबहू स्थापित हो जाने के बाद आसपास के गांव में भी सजीव गरीब घटना की व्यापक चर्चा हुआ। सर मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह। ये जो ब्रह्म स्थान है ये कितना साल पुराना है? ये पाँच साल पुराना है। 520 यहाँ पूजा अर्चना होता है क्या? जी जी पूजा अर्चना होता है, सब लोग करता है, गांव पूरा गांव माला करता है। हाँ, तो एक्चुअली गिरने के बाद जी, जब रात में आप लोगों को पता चला कि ब्रह्म स्थान के लोग यहाँ पर गिर गए हैं, ठीक है, गिरने के बाद आप लोग इसको छटका दिए हैं पेड़ के थी, लेकिन एक्चुअली बोल रहा है लोग कि इसे खड़ा हो गए है, कैसे ही खड़ा हो गए? देखिए रात को 11 बजे रात को ही गिरा है। हम सोए थे घर पे तो पहलवान जी फोन किए कि ब्रह्म बाबा गिर गए। हम आकर देखे तो पूरा रोड के साइड में गिर गए हैं। उसके बाद बिहान भिला सबको डाल को छटका दिया गया। छटकाने के बाद छोड़ दिया गया। 45 मिनट के बाद अपने आप रूपी ब्रह्म बाबा अपने स्थान चले गए। तो क्या यहाँ पूजा अर्चना भी होता है क्या? हाँ, पूजा अर्चना लगभग सब दिन होता है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार सिंह। आप तो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हुए। जी जी सर। ये जो पेड़ है पीपल का जी, जी। कितना साल पुराना है? ये 500 से भी ज्यादा साल के है। हाँ। हमारे दादा लोग बोले कि ज्यो के त्यों थे। हाँ। और यही नहीं, ये देखिए कि ये पूरा विशाल विशाल लंबाई भी देख लीजिए, चारों तरफ से घर द्वार है, कोई जान मान का भी खतरा नहीं है। बिल्कुल ये सो गए थे जैसे सोया जाता है आराम से। और उसके बाद ये कल रात में अचानक अपने आप फिर उठ के जैसे आदमी खड़ा किया जाता है, वो तो हिल नहीं सकते हैं, अपने आप फिर ज्यो के त्यों हो गए। क्या यहाँ पूजा अर्चना भी होता है क्या? हाँ, पूजा अर्चना होता है। शनिवार को ज्यादा भीड़ रहती है, सब लोग जल चढ़ाते हैं। और देख लीजिए चारों तरफ मकान, कहीं जान मान का चारों तरफ, ये देखिए जो इनका गोटा है चारों तरफ, बहुत सारे तो ले गए हमारे मुसलमान भाइयों ने। और कहने का मतलब है कि देखिए कि कहीं भी किसी भी तरह का जान मान का, चाहे कोसी का कोई खर भी जियान नहीं हुआ, जबकि इनके गिरने से जिस साइड भी गिरे हैं वो सब क्षतिग्रस्त हो जाना चाहिए, लेकिन इनका कृपा ऐसा था कि इस ऐसे समय पर गिरे कि किसी का नहीं, जैसे आराम से कोई जाके सो गया जड़ सहित। फिर इनका विधिवत, अब तो रोड सब जाम था, तो देख लीजिए कितना विशाल विशाल इनका वो है। 5 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। हमारे बाबा लोग बोलते थे कि हम लोग भी आए थे तो ज्यों करते थे, तब चार पुस्तक हम ही चार पुस्तक था वो पहले का बता, उन लोग जब बता रहे थे 500 से भी ज्यादा साल की है। थैंक यू।